गुड मॉर्निंग किड्स। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ने वाले हैं द सी। कितने बच्चों ने पता है कि सी क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? ठीक है, सी मतलब समंदर। ठीक है, बोल रहे हैं कि बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट एंड लुकिंग एट द वास्ट सी। द सी लुक्स एंडलेस। वास्ट सुना है आपने? वास्ट, वास्ट मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, बाला इज स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट। बाला क्या है? समंदर के तट पर खड़ी हो रखी है और वहां से एक बहुत बड़े समंदर को क्या कर रही है? देख रही है। ठीक है, वहां पर से उसे समंदर ऐसे दिखाई दे रहा है कि मतलब जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। समंदर ऐसा ही होता है ना, क्योंकि समंदर का पानी क्या होता है, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होता है। ठीक है, हैव यू सीन द सी? क्या आपने कभी समंदर देखा है? यस सर। कहाँ देखा है? फोटोज में देखा है, हमने टीवी में देखा है, मूवीज में देखा है। In the picture, where is the sea? Now look for this in the map of India. What color is used to show the sea? अब देखो, वो बोल रहे हैं इस पिक्चर में देख के ये बताओ कि कहाँ पर समंदर है। ये है, कैसा कलर है समंदर का? ब्लू। अब देखो, mark those states which have the sea on one side and name one state which doesn't have the sea on any side. अब देखो, अब हमको इंडिया का मैप चाहिए। इंडिया का मैप दिखाओ जरा। देखो, ये इंडिया का मैप है हम पे। ठीक है, सबसे टॉप में ऊपर जम्मू कश्मीर। इसमें एक नया स्टेट बनाया, कौन सा? लद्दाख। वेरी गुड। तो अब उसके क्या हो गए हैं? दो हिस्से। अब वो बोल रहे हैं ये जो हमारे पास मैप है, इस मैप में ये बताओ कि समंदर किधर है? सर नीचे। कैसे कलर में? ब्लू। मतलब कोई भी, जब भी आप कोई भी मैप देख रहे हो, वहां पर ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है, वहां क्या है इसका मतलब? ये समंदर या सी या समंदर में होता क्या है? हाँ, क्या होता है समंदर में? मछली। बेसिकली समुद्र में होता क्या है? नदी में क्या होता है? नदी में क्या होता है? पानी। तो ये समंदर में पानी तो है, मतलब जहां पर भी पानी होगा ये सारा पोर्शन क्या है? सारा पानी। अब यहाँ पर देखो, कुछ कुछ ग्रीन ग्रीन भी हो रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? जगह है, कुछ जगह है। जैसे हमारा एक स्टेट है यहाँ, कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंग्लिश में बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और हिंदी में बोलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि मार्क दोज स्टेट्स विच हैव द सी ऑन वन साइड। वो बोल रहे हैं ऐसे स्टेट्स को आप मार्क करो, ऐसे स्टेट्स के नाम हमको बताने हैं जिनके की एक तरफ समंदर है। बताओ जरा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। वेरी गुड। बेंगलुरु, गोवा। गोवा, हाँ। केरल। बेंगलोर स्टेट नहीं है ना? केरल। ये तमिल। ये क्या है? कर्नाटक, तमिलनाडु। पुडुचेरी। वेरी गुड, पुडुचेरी। चेन्नई स्टेट नहीं है ना? आंध्र प्रदेश। ओडिशा। पश्चिम बंगाल। बस ठीक है, इतने ही है। बाकी देखो, ये स्टेट दूर चलेगा ना, यहाँ पर इनसे पानी टच नहीं हो रहा। जहाँ पानी टच होगा इसका मतलब वो वाला स्टेट कहाँ हो रहे हैं? समंदर से टच हो रहे हैं। क्लियर है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। ये स्टेट सारे हमारे क्या हैं? इनकी एक तरफ क्या है? समंदर। अब वो बोल रहे हैं नेम वन स्टेट विच डजंट हैव द सी ऑन एनी साइड। अब वो बोल रहे हैं किसी एक ऐसे स्टेट का नाम बताना है जिसपे समंदर टच नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, मतलब ऊपर के सारे जितने हमारे वेस्ट के हैं वो सारे ही हैं। इधर ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं ये सारे ही हैं जिनमें कि कहीं भी समंदर नहीं है। अब वो बोल रहे लुक फॉर डिफरेंट मैप्स, कंपेयर द डिफरेंट स्केल्स यूज इन लोकल एरिया मैप, मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड मैप एटसेट्रा। अब वो बोल रहे हैं कि आप क्या करो, डिफरेंट स्केल्स देखो। अब देखो, हर मैप में एक स्केल लिखा हुआ होता है। ये देखो, ये मैप है, इसमें कहाँ पर है स्केल, जरा बता सकते हो बच्चा? हाँ, तो क्या मतलब होगा इसका? एक हमारे पास एक बुक में मैप है, एक ये बुक में था मैप। इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें कहाँ पे स्केल? इसमें स्केल था लेकिन कहाँ पर लिखा हुआ था, किसी बच्चे को पता है? वेरी गुड, पीछे इधर लिखा हुआ था। कहाँ पे लिखा हुआ है? 1 centimeter on the map shows 200 kilometers on the ground. मतलब 1 centimeter जो मैप में है वो रियलिटी में कितना है? 200 किलोमीटर। अब देखो, अब आपको ये रीड करना आना चाहिए। ये हमारे पास एटलस है तो एटलस में आपको रीड करना आना चाहिए। यहाँ पर देखो, इन्होंने कुछ बना रखा है 0 to 150 kilometer। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये इस डिस्टेंस को नापना है कितनी है? तो इसका मतलब 1 centimeter बराबर कितने किलोमीटर है? 150। वेरी गुड। मतलब अगर हम इसको नापें, माना हिमाचल प्रदेश को नापते हैं यहाँ से यहाँ तक, कितना आ रहा है हिमाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक? ये
एक कोने से दूसरे कोने तक 1.6 मान लेते हैं, 9 का है, 1.6 है नहीं, ठीक है, ये देखो ना 5 के बाद 6 है, तो 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 150 से मल्टीप्लाई करके एक पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक ये हिमाचल प्रदेश कितना किलोमीटर है। मैप में तो सेंटीमीटर में है, लेकिन रियलिटी में तो सेंटीमीटर में होगा नहीं, रियलिटी में किस में है ये, किलोमीटर्स में। क्लियर है? अब देखो एक और देख लेते हैं, कोई स्केल उत्तराखंड का देख लेते हैं अपना, है उत्तराखंड का इसमें, ये उत्तराखंड का है, ओके, ये उत्तराखंड का मैप है हमारा, ये हिमाचल प्रदेश है, इसकी बाउंड्री पे इधर चाइना है, इधर उत्तर प्रदेश है और दिल्ली है, इधर भी क्या है, नेपाल और तिब्बत। अब देखो इसमें स्केल कहाँ पर लिखा हुआ है, ढूंढो जरा स्केल, ये रहा जी, हाँ कितना है स्केल, सेंटीमीटर 17.4 किलोमीटर, मतलब एक सेंटीमीटर जो इस मैप में है वो रियलिटी में कितना है, 17.4 किलोमीटर। अब देखो अब यहाँ पर ढूंढो अपना डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, पौड़ी, ये देखो पौड़ी गढ़वाल, इसमें कहीं एम क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ पे भृगुखाल है, भृगुखाल है, कांडी है, नीलकंठ है, चीला है, सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो अब हम क्या नापते हैं, अब एक कोने से इस 14 से यहाँ पर ये 34 लिखा हुआ है, 34 से लेके और हम इधर तक नापते हैं इस सेंजी तक, ये कितना किलोमीटर का एरिया होगा, ये पूरा देखो कितना है, ये 5.5, लगभग 5.5। तो इस 5.5 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 17.4 से, उससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है पौड़ी का वो कितने किलोमीटर का होगा लगभग। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो ये सारी जो बाउंड्रीज हैं, क्या हम ये जो पौड़ी गढ़वाल है हमारा, इस पौड़ी गढ़वाल का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं हम इसका, मतलब भारी भार कितनी बाउंड्री होगी इसकी, कैसे, रस्सी से आप नापोगे एक कोने से दूसरे कोने तक, उसके बाद उसे स्केल पे रखोगे और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करोगे, 17.4 से, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो ये पौड़ी गढ़वाल है उसका जो परिमाप है, मतलब भारी भार की बाउंड्री कितने किलोमीटर की है उसकी, लगभग सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में, इतना बड़ा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, उससे बड़ा एक उत्तरकाशी है जिसका एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या है हम उस उत्तरकाशी से भी क्या है आगे, ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं उसका पैरामीटर। यस सर। क्लियर है? यस सर।